तो ऑस्मोटिक प्रेशर आज अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लास्ट है, चौथा नंबर पे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस। व्हाट इज द ऑस्मोसिस, किसी को पता है ऑस्मोसिस? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाए भैया? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इस चीज को क्या बोला जाता है भैया? ऑस्मोसिस बोला जाता है। स्पॉन्टेनियस फ्लो खुद से होता है, फ्लो किसका होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। कहाँ से होता है? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होता है, या कहीं पर जो लोअर कंसंट्रेशन है वहाँ से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। किसके जरिए होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो करके होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस फ्लो कहाँ से? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, किसके जरिए होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए होता है। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, या मेम्ब्रेन कितने तरह की होती हैं? तो मेम्ब्रेन कई तरह की होती हैं। कुछ मेम्ब्रेन भैया होती है परमिएबल, परमिएबल कुछ मेम्ब्रेन होती है। कुछ मेम्ब्रेन होते हैं जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ होती है इम्परमिएबल होती है, परमिएबल से कोई भी चीज़ जा सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्टिवली परमिएबल जैसे इससे केवल कुछ चीज़ें आ जा सकती हैं, जैसे सेलवाल है, सॉरी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। और इम्परमिएबल जिससे होकर कोई भी चीज़ जा ना सके, ठीक। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन होती है? थ्रू विच, समझ में आया डिफरेंस ना? परमिएबल कौन सी है? जिससे हर चीज़ इस तरफ उस तरफ जा सके, इस मेम्ब्रेन के। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होती है? जहाँ पे सेलेक्टेड चीज़ें पास होती हैं सिर्फ, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल में, सेल मेम्ब्रेन है। इम्परमिएबल जिससे कोई भी चीज़ पास ना हो सके, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली क्या चीज़ पास होगा? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास, जिससे हो कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भैया पास होते हैं, कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन कौन सी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती हैं? कुछ एग्जांपल चलिए देखते हैं, कौन कौन सी होती है, कुछ उदाहरण बताओ जल्दी से। एग मेम्ब्रेन है, जब अंडे उबाल के खाते हो तो देखते हो उसके जो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल है उसके जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन टाइप की होती है वाइट, वो एग मेम्ब्रेन है, ठीक। कॉपर फेरोसाइनाइड है, कॉपर फेरोसाइनाइड है, कॉपर फेरोसाइनाइड है। गोट ब्लैडर है, पार्चमेंट पेपर है, तो ये सब जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? हम लोग एक इस तरह का सेटअप लेते हैं, ये एक आयरन बॉक्स है और इसमें जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा हुआ है, और यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और इसमें सॉल्यूशन मॉलिक्यूल है।
दोनों को सेपरेट किया गया है जिस मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? दोज मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मोलिक्यूल कैन पास। ऐसे मेम्ब्रेन जिनसे होकर केवल सॉल्वेंट मोलिक्यूल पास होते हैं उनको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस सेटअप में देखते हैं, यहाँ पे एक कैपिलरी है, कैपिलरी बना है जिससे वाटर लेवल लगातार डाउन होगा क्योंकि वाटर इधर से इधर जाएगा, स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा सॉल्वेंट का इधर से इधर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा। यही हम लोगों ने ऑस्मोसिस की डिफिनेशन भी पढ़ी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा सॉल्वेंट का किधर होगा, सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर कैपिलरी में वाटर का लेवल फॉल होगा, कुछ समय बाद आप देखोगे कि लगातार डाउन जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी यहाँ पे बनाते हैं कैपिलरी और उसमें एक पिस्टन यहाँ पे लगाते हैं और एक यहाँ पे मैनोमीटर लगाते हैं। तो पिस्टन से हम लोग यहाँ से प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर अप्लाई करेंगे धीरे 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 धीरे। एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर कैपिलरी में, यहाँ कैपिलरी में जो वाटर का लेवल है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब कैपिलरी में जो वाटर का लेवल है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, मतलब फाल होना स्टॉप हो जाता है, एक नियर वैल्यू पा जाता है, कांस्टेंट वैल्यू पा जाता है। यानी कि इधर से सॉल्वेंट मोलिक्यूल का सॉल्यूशन मोलिक्यूल की तरफ आना रुक जाता है। जब सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ आना रुक जाता है तो हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस की फिनोमेना जो है रुक गई है, यानी कि ऑस्मोसिस रुक गया है। तो ऐसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं इस प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को इसी बेस पर डिफाइन किया जाता है। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप, ये प्रेशर यहाँ से लगा रहे हैं, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरे ख्याल से ये सेटअप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर भी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले, या प्रेशर अप्लाइड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसकी यूनिट क्या होती है, MMHg, बार, पास्कल, एटमॉस्फियर, ये सब यूनिट होती भैया ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग भैया कैलकुलेशन वांट हाफ लाख देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आगे देखने वाले हैं हम लोग इसमें वांट हाफ लॉ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, डायलूटर और डायलूट सॉल्यूशन के लिए वांट हाफ लॉ लगाएंगे एक बार और उसे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। तो हेडिंग डालिए वांट हाफ लॉ फॉर डायलूट सॉल्यूशन, वांट हाफ लॉ फॉर डायलूट सॉल्यूशन। वांट हाफ लॉ फॉर डायलूट सॉल्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग है वांट हाफ लॉ फॉर डायलूट सॉल्यूशन। ये जो है यहाँ पे एच ओ डबल एफ है, सब लोग लिखना वांट हाफ लॉ फॉर डायलूट सॉल्यूशन। हाँ, वांट हाफ लॉ फॉर डायलूट सॉल्यूशन हमें देखना है नेक्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू इट गैस इक्वेशन जो है, अकॉर्डिंग टू इट गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, पी वी बराबर एनआरटी आल्सो फॉलोड बाई डायलूट सॉल्यूशन, आल्सो फॉलोड बाई किससे और कौन फॉलो करता भैया, डायलूट सॉल्यूशन भी इसको फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट गैस इक्वेशन जो है, गैस इक्वेशन का जो फार्मूला है वो कौन फॉलो करता है, वो डायलूट सॉल्यूशन भी फॉलो करते हैं। व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज रिप्लेस्ड बाई, ये कब करते हैं, व्हेन प्रेशर ऑफ गैस रिप्लेस्ड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी भैया हमारा है पी बी बराबर एन आर टी है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, बाकी सब ऐसे रहने देंगे। तो ये जो है फॉलो करता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाना चाहिए, पाई वी बराबर एन आर टी, जहाँ पे पाई क्या है,
ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, पाई जो है भैया ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ पे। तो और वैल्यू निकालेंगे हम लोग, पाई बराबर हो जाएगा एन बाई वी आर टी, और एन क्या होता भैया नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता भैया मास अपान मोलर मास, यानी कि डब्लू बाई एम। अब पाई बराबर क्या हो जाएगा भैया डब्लू बाई एम वी आर टी। मास अपान मोलर मास, मास जगह डब्लू ले लिया हमने, सलूट का मास है। अच्छा, ये अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ट्वेंटी सेवन परसेंट यूरिया, कैसे होता है ये वेट बाय वॉल्यूम होता है एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर जो फ्रेम होते हैं क्वेश्चन वो इस तरह के फ्रेम होते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको आगे हम लोग, तो चलिए आगे देखते हैं इसको हम। ठीक, इस न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे बेटा, इस पर कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग पकड़ेंगे देखते हैं। अभी इसके कई रूप आएंगे इस क्वेश्चन के, जो पुराने बच्चे देखेंगे थोड़ा, मैंने इस बार इसको दूसरी तरह से लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए क्या क्या दिया है, गिवन डेट W बराबर कितना दिया भैया 27 ग्राम, ये वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है 100 ml में 27 ग्राम है, इसका मतलब ये होता है। तो W दिया है, R की वैल्यू भैया फिक्स होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, चलिए ठीक है इसकी वैल्यू फिक्स है। और क्या बचा हमारे पास, T की वैल्यू 27 प्लस 273 300 केल्विन, V की वैल्यू भैया 100 ml है, 100 अपान 1000 0.1 लीटर है। और क्या बचा भैया, यम यूरिया के लिए, यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2, तो यहाँ से हम लोग करेंगे भैया 14 है प्लस 2 है प्लस 12 है प्लस 16 है प्लस 14 है प्लस 2 है बराबर 60 ग्राम। अब यहाँ पे देखिएगा इसको वैल्यू पुट करिएगा, तो वी नो डेट पाई बराबर क्या होता भैया डब्ल्यू बाई एम आर टी बाई वी, तो पाई की वैल्यू कितना 27, एम की वैल्यू भैया कितना 60, वी की वैल्यू भैया कितना 0.1, आर की वैल्यू 0.0821 और टी की वैल्यू कितना है 300 केल्विन है। ये पूरी वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है, यहाँ से सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, 5 जा गया, ये हो गया भैया 27 इंटू 50 इंटू 0.0821, बस ये मल्टीप्लाई करके बताना है, इतना एटमॉस्फेयर आंसर आ गया। ठीक, 50 क्या हुआ, पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो बढ़ा दिया, तो इतना सॉल्व करके आंसर बताना है। लगाओ सब लोग जल्दी से और इसके आंसर बताओ, फिर और आगे चलते हैं हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर में बहुत केसेज है, काफ़ी चीज़ें देखनी है, तो करिए जल्दी जल्दी। तो बेटा इसका आंसर आ गया 110.8 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाते हैं, इस प्रकार के सवाल, इस तरह से कितने टाइप क्वेश्चन बनेंगे एकदम बढ़िया से हम लोग समझते हैं। जितने टाइप बता रहे हैं इतने फार्मूले पे इसी तरह क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं, अब प्रैक्टिस करने की बात होती है थोड़ी सी। चलिए देखते हैं आगे, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब देखिए पाई, पाई बराबर डब्लू बाई एम है, आपने पढ़ा पहले पाई बराबर एन आर टी बाई बी, ऐसा पढ़ा था, एन आर टी बाई बी, मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ उसको, ठीक ऐसे लिखा। तो एन बाई बी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है भैया, कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल अपान वॉल्यूम होता है, तो ये एन बाई बी हो गया, सी बराबर,
तो यहाँ पर इसको हम सी से रिप्लेस कर सकते हैं, एक नया फार्मूला हो जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एम बाई 20 ग्लूकोज एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो भैया ये बनता है क्वेश्चन, ये बनता है ठीक। तो इसको जरा आप लोग कर लीजिए ठीक। हाँ तो बच्चों चलो ये इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या क्या जो है कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया है। गिवन दैट ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे सी दिया भैया 1/20 m ठीक। आर की वैल्यू दिया है 0.0821, टी की वैल्यू दिया है 27+273, ये हो जाएगा 300 केल्विन ठीक है। कितना हो जाएगा भैया 300 केल्विन ठीक। तो ये 300 केल्विन है, तो पाई बराबर क्या होगा भैया सी आर टी वैल्यू रख दीजिए 300 केल्विन, ये कैंसिल हो गया, ये 15 आ गया। चलो 15 का मल्टीप्लाई कर बताओ कितना आएगा, भैया आंसर आ रहा है 2315। चलो ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है भैया, इसको नोट कर लेंगे। इस तरह का न्यूमेरिकल बनता है इस पर, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा सोल्यूशन भैया जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते भैया इनको, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। तो पाई वन इक्वल टू हो जाएगा भैया पाई टू, यानी कि सी वन आर टी बराबर हो जाएगा सी टू आर टी, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, सी वन बराबर सी टू आइसोटोनिक के लिए। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, एन वन बी वन इक्वल टू एन टू बी टू, डब्ल्यू वन एम वन बी वन बराबर होता है भैया डब्ल्यू टू एम टू बी टू, ये अब इस समय ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आजकल इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 3% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विथ, इज आइसोटोनिक ये वेट बाय वॉल्यूम होता भैया हमेशा, ये 3% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विथ 6% सोल्यूशन ऑफ एन अननोन सब्सटेंस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो कैसे करेंगे भैया, एक तरफ ग्लूकोज रखिएगा एक तरफ अननोन सब्सटेंस।
अब देखिएगा क्या क्या दिया है, तो वेट कितना दिया है इसका 3 ग्राम, यम कितना होता ग्लूकोज का 180 होता मोलर मास, वॉल्यूम कितना है परसेंटेज 100 ml है, लीटर बदल लीजिए तो ये दे दिया, इसका कितना दिया है 6 ग्राम दिया है, यम टू भैया इसका पूछा है, वी टू कितना दिया है 100/1000 0.1। अब देखिए दोनों वैल्यू सामने आपके पड़ी है, इन्हीं वैल्यू को उठाकर भैया पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में तो आपका ये सॉल्व हो जाता है। करिए जल्दी से, इतना हम देख रहे हैं करके बताइए। एक मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा, कितना आंसर आया इसका पिछले क्वेश्चन 360 आंसर आया था जो आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है आगे चलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस? जैसे भी यह ऑस्मोसिस आपने देखा, पी है तो यहां पे भैया भरा था आपने क्या सोल्यूशन, और यहां पे क्या है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है ऐसे, तो ये इधर से इधर जाता रहेगा हमेशा सोल्यूशन सोल्यूट से सोल्यूशन तरफ लगातार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पार करके स्पॉन्टेनियस फ्लो होता रहता है लगातार, क्योंकि ऑस्मोसिस होता रहता है। तो एक समय ऐसा आता है जब हम प्रेशर लगाते हैं तो ये ऑस्मोसिस होना बंद हो जाता है, जैसा हमने पीछे देखा ये प्रेशर पिस्टन से लगाया, पिस्टन है इससे प्रेशर लगाते हैं। अब अगर हम प्रेशर जो लगाते हैं ऑस्मोसिस अब रुक चुका है, हमने प्रेशर लगाया ऑस्मोसिस रुक चुका है, अगर हम यही प्रेशर को और बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि उल्टा जो है सोल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ जाना शुरू कर दे, ठीक है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उल्टा इधर से इधर जाना शुरू कर दे, ठीक है सोल्यूट यहाँ पे रुक जाए पूरा, तो इसको क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ वगैरह होते हैं वहाँ पर ये यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, समझ रहे हो ना सब लोग? होता क्या है, यहाँ प्रेशर लगाया हमने तो ऑस्मोसिस रुक गया, अब ये प्रेशर को और बढ़ा दो, ज़्यादा कर दो, इतना ज़्यादा कर दो। ये वाली मेम्ब्रेन की खास बात ये है कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट, केवल इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भैया पास होते हैं। तो जब यहाँ सोल्यूशन है प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दिए तो सोल्यूशन में से सोल्यूट इस तरफ रह जाएगा, क्योंकि सोल्यूट तो पास होगा नहीं, सोल्यूट इस तरफ रह जाएगा क्योंकि सोल्यूट पास तो होगा नहीं, फिर पास कौन होगा सॉल्वेंट, तो इस तरफ सॉल्वेंट हमारा पास होगा सोल्यूट इस तरफ रह जाएगा, तो ऑस्मोसिस इधर से इधर होता है। ये वाला प्रोसेस प्रेशर बढ़ाने के बाद किधर से किधर हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रही है बदल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो आरओ है ना इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं सभी, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है भैया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन अप्लाइड प्रेशर, ठीक है इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड, ठीक है अगर भैया इसमें एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा दीजिए, किससे ज्यादा लगा दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दीजिए, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन बी मेड टू प्रोसीड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन बी मेड टू प्रोसीड, ठीक है कैन बी मेड टू प्रोसीड फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट, फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट, सोल्यूशन से भैया ये प्योर सॉल्वेंट की तरफ, वही चीज़ जो आप जानते हो प्योर सॉल्वेंट तरफ ये होता है, डेट इज इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस। इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ
ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस के भैया रिवर्स डायरेक्शन में ऐसा होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर सी वाटर फ्रॉम गेटिंग फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी वाटर होता यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ कैन बी यूज फॉर सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। समझ रहे हो ना, समुद्री जल को यहाँ पे रख दिया, प्रेशर ज़्यादा लगाया तो समुद्री जल में साल्ट होता है, वाटर होता है, वाटर इधर से इधर निकल जाएगा, साल्ट यहाँ रह जाएगा। वाटर तुम बिस्लरी वालों को बेच दो उससे पैसा मिलेगा, साल्ट टाटा वालों को बेच दो उससे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये तरीका। अब भैया लास्ट है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कल पढ़ते हैं। कितना हुआ वक्त? 7:55।